News 18, India. इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान के स्कूलों में सूर्य नमस्कार शुरू हो चुका है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। दरअसल स्कूलों में सूर्य नमस्कार को लेकर के आपत्ति थी, इसको लेकर के याचिका दर्ज की गई थी मुस्लिम संगठनों की तरफ से। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये राजस्थान के शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर, जो की सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। उनके साथ छात्र भी मौजूद है। मदन दिलावर सूर्य नमस्कार करते हुए नजर आ रहे हैं छात्रों के साथ। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, जिन्होंने कहा था कि क्या आपत्ति है, ये सनातन संस्कृति का प्रतीक है और स्कूलों में सूर्य नमस्कार होना चाहिए। ऐसे में इससे पहले भी उनके बयान सामने आए हैं, लेकिन अब एक बार फिर से स्कूलों में सूर्य नमस्कार शुरू हो चुका है और शिक्षा मंत्री स्टेडियम में छात्रों के साथ सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। ड्रोन फिर लौटा और उसने भीड़ पर आंसू गैस के गोले गिरा दिए। इस दौरान किसानों ने पतंग से उसे नीचे गिराने की फिर कोशिश की। नीचे खड़े लोगों ने भी ड्रोन पर पत्थर फेंके, लेकिन ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से किसानों के पत्थर उस ड्रोन तक नहीं पहुंच सके। इसी वजह से वो ड्रोन आंसू गैस के गोले गिराने के बाद वहां से निकल गया। और दिल्ली कूच करने की कोशिश कर रहे किसानों और पुलिस के बीच हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर भी झड़प हो गई। हरियाणा पुलिस ने पंजाब की तरफ से आने वाले किसानों को रोकने के लिए बॉर्डर को पहले ही बंद कर दिया था, लेकिन दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए किसानों का जत्था वहां आकर डट गया। किसानों को रोकने के लिए तैनात पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों ने आंसू गैस के गोले दाग दिए। इसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। धुएं से बचने के लिए मुंह पर कपड़ा बांधकर किसान इधर उधर भागते दिखे। वहां मौजूद किसानों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन पर गोलियां भी चलाई। खनौरी बॉर्डर हरियाणा के जींद जिले में पंजाब से लगने वाली सीमा पर मौजूद है और किसानों की कोशिश है कि यहां से उनका जत्था करीब 200 किलोमीटर का सफर तय करके दिल्ली पहुंच जाए। हालांकि खनौरी बॉर्डर पर डटे किसानों के लिए पुलिस का पहरा तोड़कर दिल्ली पहुंचना आसान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बॉर्डर पार करने के बाद उन्हें हरियाणा के कई शहरों से भी होकर गुजरना होगा। लेकिन पुलिस की तैयारी ऐसी है कि किसानों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रधानमंत्री का अबुधाबी में संबोधन। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में यूएई की जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री ने बताया, कई साल पुराना सपना पूरा हुआ, प्रमुख स्वामी का सपना पूरा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबुधाबी में भव्य मंदिर के निर्माण को मानव इतिहास का नया स्वर्णिम अध्याय बताया। दावा किया उन्होंने कि अबुधाबी में बना मंदिर वैश्विक एकता का प्रतीक बनेगा। अबू धाबी में मंदिर निर्माण करवाने वाली संस्था BAPS की भी प्रधानमंत्री ने जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि यूएई ने अपनी धरती पर मंदिर निर्माण करवाकर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि वो खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं कि अयोध्या में बने राम मंदिर और अबू धाबी में बने मंदिर के निर्माण के वो साक्षी बने।